बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम छोटे बड़े यूट्यूबर्स की खिदमत में अर्ज़ है कि इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए। आखिर आप भी मुसलमान हैं, आपको भी सवाब की ज़रूरत है, आप भी अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हैं। माह रमज़ान में कार खैर में आप भी हिस्सा लीजिए, दीन की खिदमत कीजिए। आइए मैं आपको बताया देता हूँ कि आप दीन की खिदमत कैसे कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों का सारा जोर मसाजिद बंद करवाने पर है। तमाम एंकर्स, मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स इसी काम के लिए मखसूस हैं और इनको डर है कहीं कोरोना मसाजिद से न फैल जाए, इसलिए महदूद पैमाने पर नमाजें, बिलखसूस नमाज तरावी, मुख्तसर अफराद के साथ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान और उलमाए इस्लाम से बाकायदा 20 नुकाती फार्मूला पर दस्तखत करवाए गए, जिसमें SOPs तय किए गए। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र इस पर अमल करना वक्त की मजबूरी है। लेकिन आप छोटे यूट्यूबर्स हैं या बड़े, आपके सब्सक्राइबर्स सैकड़ों में हैं या लाखों में, आपका भी दीनी फरीज़ा है कि आप अपनी मस्जिद में जाएं, वीडियो बनाएं किस तरह हमारे उलमाए किराम और आइमा मसाजिद उम्दा तरीके से सैनिटाइज़र्स, क्लोरीन के स्प्रे और बग़ैर दरियों के फ़र्श पर मुनासिब फासले पर नमाज का एहतमाम करके अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। बच्चों और 50 साल से ज़्यादा उम्र के नमाजी घर पर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद लोगों से हाथ मिलाने से गुरेजा हैं, गोया सोशल डिस्टेंस बरकरार रखे हुए हैं। ये सब कुछ इसलिए कि कहीं कोरोना के फैलने का इल्ज़ाम उलमा और मसाजिद पर ना आए, वरना आप देख रहे हैं ये सब्ज़ी मंडियों, फ्रूट मंडियों, किरियाना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स और हमारी सड़कों और बाज़ारों का हाल कि यहाँ लोग किस तरह सोशल डिस्टेंस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इसका हुलिया बिगाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये लोग किस कदर अपने आप को कोरोना का भाई समझते हैं, या कोरोना वायरस का इनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि ये इनको नहीं छुएगा, बस उसी को छुएगा जो मस्जिद में जाएगा। मीडिया की मिली भगत है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसाजिद को अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं। मेरी तमाम यूट्यूबर से इस्तदा है कि आखिर आपसे भी अपने मनसब के मुताबिक बरोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा, लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे मसाजिद और उलमा का तकद्दस उजागर हो और दीन इस्लाम की खिदमत हो। और ये सवाब जारिया जारी रहेगा, क्योंकि हदीस पाक में आता है बल्लिगु अन्नी वलव आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ़ से पहुंचा दो अगर ये कोई एक ही आयत हो। लिहाजा कोई एक आयत, कोई एक हदीस, कोई एक कॉल भी आप शेयर करेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, उस पर अमल करेंगे और ये आपकी अज़मत व शान में इजाफे का सबब होगा। अल्लाह ताला हमें हालात की नज़ाकत को समझने की और मसाजिद का तहफ़ुज़ करने की और अपनी मसाजिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, और इन हुक्मरानों को और दीगर लोगों को ये शऊर दे कि वो ये समझें कि अल्लाह के घर में हाजिर होकर दुआ मांगने से रब ताला खुश होगा और वो हमारी इस आफत को या बला को दूर कर देगा। लेकिन हमें मसाजिद से दूर करने की ये कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम सब को और तमाम आलम इस्लाम को इस कोरोना की वबा से महफूज रखे। आमीन।